आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्षेत्र में। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द क्या होता है? देखिए, अर्थराइटिस एक मेडिकल टर्म है जिसमें अर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट और आइटिस का मतलब होता है सूजन। तो आर्थराइटिस मतलब जो हमारे ज्वाइंट है जब उसमें सूजन आ जाती है। तो आर्थराइटिस अलग अलग कारणों से हो सकती है, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चों से लेकर और बड़ी उम्र तक के किसी भी व्यक्ति को आर्थराइटिस हो सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। और आर्थराइटिस में हमारे जो ज्वाइंट होते हैं जब उनमें डीजनरेटिव चेंजेज आते हैं, उनकी अलग अलग वजह हो सकती है, तो उससे जो सूजन आ जाती है वो आर्थराइटिस है। सर, आर्थराइटिस कितने तरीके का होता है, कितने टाइप्स का होता है? जी देखिए, आर्थराइटिस मेनली जो है वो तीन प्रकार का माना गया है, क्योंकि जो जोड़ों में सूजन है वो एक पहली जो कॉमन सूजन है वो तो आती है उम्र की वजह से। जो एज जनरेटेड आर्थराइटिस होती है उसको हम जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है जब वो हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से वो इम्यून सेल्स हमारे जोड़ों में जा करके उनमें टीयरिंग एंड वेयरिंग करने लग जाते हैं, उनको तोड़ने लग जाते हैं, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट के हैं उनको तोड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से हमारे ज्वाइंट्स में सूजन आ जाती है, उसको हम लोग रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। और तीसरी जो आर्थराइटिस होती है वो होती है मेटाबॉलिक आर्थराइटिस। यूरिक एसिड के अक्यूमुलेशन की वजह से जो आर्थराइटिस ज्वाइंट में होती है उसको हम गाउट कहते हैं या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये मेनली तीन प्रकार की हैं। इसके अलावा बच्चों का जो जिक्र आया, तो जब बच्चों में आर्थराइटिस होती है तो उसको हम कहते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस या जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। कई बीमारियों की वजह से भी आर्थराइटिस होती है, खास करके सोराइसिस एक ऐसी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की इन्फ्लेमेटरी डिजीज है कि जो ऑटो इम्यून है, और जब सोराइसिस बहुत बढ़ जाती है उससे भी हमारे ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसको हम कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। कि जब धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में जितने भी ज्वाइंट हैं उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है या जो कार्टिलेज रहता है वो घिसने लग जाता है, और उस कार्टिलेज के घिसने की वजह से हमारे ज्वाइंट में फ्रिक्शन होने लग जाता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और ये अमूमन बहुत ज़्यादा कॉमन है, लगभग हर व्यक्ति को एक उम्र के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस का होना एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। सर, इसके अलावा कौन से जो प्राइमरी सिम्टम्स होंगे जो कि देखने को मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में? जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट कॉमनली होते हैं, जैसे हमारे नी ज्वाइंट हो गए, घुटनों का जो जोड़ है उसमें, क्योंकि शरीर का सारा वजन पड़ता है और एज के साथ साथ उसके कार्टिलेज घिसने से उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। सूजन के साथ साथ रेडनेस हो सकती है हमें चलने में, मूवमेंट में, और कई बार तो जब हम लोग सो रखे हैं और सोने के बाद उठते हैं तो उसमें एक दर्द की फीलिंग आती है, स्टिफनेस, और मॉर्निंग स्टिफनेस खास करके, कि सुबह जब हम उठते हैं और हमारे जोड़ों में अकड़ाहट फील होती है, तो ये आर्थराइटिस के सिम्टम है। जी सर, इसके अलावा डायग्नोसिस जो इसका होता है वो कैसे किया जाए, और कौन कौन से टेस्ट हैं जो डॉक्टर करने को बोलते हैं इसमें? हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमें जो पेन हो रहा है हमारे जोड़ों में वो आर्थराइटिस की वजह से ही है या कोई अन्य वजह है, क्योंकि कई बार कोई मस्कुलर स्पाज्म की वजह से या एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से या कोई कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी की वजह से भी हमारे ज्वाइंट्स में, हड्डियों में पेन होता है। तो इसके लिए जब भी आपके किसी भी ज्वाइंट्स में लगातार पेन बने तो उस पेन को सबसाइड करने के लिए बजाय पेन किलर खाने के हमें अपने किसी अच्छे नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में कि साइनोवियल फ्लूड जो कि उनके बीच में दो ज्वाइंट के बीच में एक ग्रीसिंग का काम करता है वो कम महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर फिर जो है ज्वाइंट का एक्सरे करवाते हैं, उस एक्सरे में ये कन्फर्म हो जाता है कि आपको आर्थराइटिस है या नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको भी हम लोग टेस्ट करा सकते हैं, अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आर्थराइटिस है। सर, इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ट्रीट किया जाता है इसको? जी देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रोग हो, अगर उसका निवारण करना है तो उसका कारण पता लगना बहुत जरूरी है। यदि स्टार्टिंग फेज में जैसे ही हमें ये पता चले कि हमारे जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेमेशन के साइन आ रहे हैं, दर्द हो रहा है लगातार, तो हम लोग जो है उसको सिकाई करना शुरू कर सकते हैं। नमक पानी की सिकाई आप कर सकते हैं, किसी गर्म कपड़े से जो है जॉइंट्स को आप जो है गर्म कर सकते हैं, हॉट फोमेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि जब हम उस एरिया को गर्म करते हैं तो वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ब्लड का फ्लो बढ़ने से जो है वहां सूजन कम होती है, क्योंकि वहां पे खूब मिनरल्स, खूब हमारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, और वो स्वेलिंग कम हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी सूजन कम नहीं हो रही है तो तब हमें जरूर किसी भी नजदीकी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास जब आप आते हैं तो डॉक्टर पहले फिजिकल आपका एग्जामिनेशन करेगा, और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है तो वो किस वजह से बन रही है उसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। फिर अगर जो है स्टिफनेस बहुत ज्यादा है और आपके डॉक्टर एग्जामिनेशन में ये पा रहा है कि आपके ग्रीसिंग या कार्टिलेज में बहुत ज्यादा डिजनरेशन हो गया है, आपकी कार्टिलेज घिस गई है, तो वो कार्टिलेज को हम किस तरीके से फिर मेंटेन करें, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वियर एंड टियर फिनोमिना है। हम वो कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए अलग अलग औषधियां देते हैं, उसमें आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी अच्छी औषधियों का कॉम्बिनेशन है, और जो अगर एलोपैथी में कोई दिखाता है, हड्डियों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो उसका अपने तरीके से अपनी विधा से ट्रीटमेंट करते हैं। एक ट्रीटमेंट का मेथड फिजियोथेरेपी भी है। फिजियोथेरेपी से भी कई बार जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कोशिश करते हैं कि उनकी जॉइंट की जो स्टिफनेस है वो कम हो, वो सूजन कम हो। आयुर्वेद में ही मैं बात करूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बहुत कारगर तरीका है और वो है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो ज्वाइंट है, इसके ज्वाइंट में वात पित्त कफ में से किस दोष की अधिकता ज्यादा है, कौन सा दोष जो है वो असंतुलित हो रखा है, और उस हिसाब से फिर जो है उनका पंचकर्मों के हिसाब से पूर्व कर्म पहले करते हैं, स्नेहन स्वेदन होता है। जिस ज्वाइंट में भी आर्थराइटिस के सिम्टम है वहां पर जानुवस्ती, ग्रीवावस्ती, इस तरीके की प्रक्रियाएं करते हैं कि जिससे उनकी सूजन कम हो, उनके ज्वाइंट में प्रॉपर ग्रीसिंग बने और फ्रिक्शन कम से कम हो। घर में भी हम लोग जो कच्ची हल्दी या अंबा हल्दी होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में उसका बहुत ही कारगर रोल है, क्योंकि जो हमारी हल्दी होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्योंकि सूजन ज्वाइंट में रहती है तो वो सूजन कम करने में स्टार्टिंग फेज में हल्दी भी बहुत काम आती है। कोलाजन पेप्टाइड का हड्डियों के रोग में क्या काम है? बेसिकली जो है कोलेजन पेप्टाइड एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करता है, हमारे शरीर की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। और आप लोगों ने कोलेजन पेप्टाइड को स्किन की हेल्थ के लिए सुना होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कोलेजन पेप्टाइड हमारी ज्वाइंट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वेयरिंग टियरिंग प्रोसेस है जिसमें कि टूट फूट होती है, और उस टूट फूट की मरम्मत में कोलेजन पेप्टाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर लोगों को दिखा जाता है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या रोल? हाँ बिल्कुल, देखिए आर्थराइटिस की प्रारंभिक अवस्था है तो उसका जनरली कई बार कारण ये होता है कि हम लोग जो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, ज्यादा चलते फिरते नहीं है, उनके ज्वाइंट में स्टिफनेस आ जाती है, तो एक्सरसाइज करने से वो स्टिफनेस खुलती है, ज्वाइंट मूवमेंट खुलते हैं। लेकिन अगर जोड़ों में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस कंडीशन में पहुंच गई हो, पुरानी हो गई हो, तो कई बार आपको एक्सरसाइज करने से रोका भी जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि उनमें हड्डियों में कहीं फ्रिक्शन ज्यादा ना हो जाए, तो मॉडरेट एक्सरसाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस में कर सकते हैं। आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के बारे में कोई भ्रांतियां हैं जो समाज में, जो एक डॉक्टर दूर करना चाहता है? लोगों को जब आर्थराइटिस होती है तो ये समझ में नहीं आता है कि ये जोड़ों का दर्द हो रहा है या हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उसमें कई बार लोग जो है कैल्शियम का बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में सेवन करने लग जाते हैं। लोगों को ये भ्रांति रहती है कि कैल्शियम लेने से जो है वो हमारे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपके शरीर में ब्लड सीरम में कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर है और उस वजह से जोड़ों में दर्द नहीं है और उसके बाद भी आप कैल्शियम लेते हैं तो वो आपकी किडनी में पथरी बना सकता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बल्कि यह है कि आप अपना विटामिन डी का चेक करवाएं, और अगर विटामिन डी कम है तो विटामिन डी सही मात्रा में लें, उसके सप्लीमेंट लें, धूप सेकें जिससे कि जो है आपके हड्डियों की डेंसिटी अच्छी हो, और साथ ही साथ में विटामिन डी जो है वो आपके जॉइंट्स के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ अगर कई बार सर ने यहाँ पर रूमेटॉइड
आर्थराइटिस का जिक्र किया है। हमारी कोशिश होगी कि इस बारे में हम एक अगला एपिसोड लेकर आए। अगर आप भी इस बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।